तो अब हम लोग करने वाले हैं आगे की कुछ स्पेशल एंट्रीज़, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास सोल्ड गुड्स टू विक्रम, 4 रुपीज़ 10,000 अगेंस्ट कैश। ठीक है, हमने क्या करा है, विक्रम को हमने गुड्स सोल्ड करे हैं, ठीक है, 10,000 की, और यहाँ पे लिखा है कैश में, ठीक है, तो यानी कि हमारा जो माल है वो कैश में बिका है। अब देखिए, अगर कैश में हमारा माल बिका तो हमारे पास कैश आया होगा और हमारे पास से क्या गया होगा, गुड्स गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सेल हुई है तो यानी कि इनकम है। अब अगर इनकम हुई है तो इनकम बढ़ने पे क्या होता है, इनकम बढ़ने पे होता है क्रेडिट। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000 से, और टू में लिखेंगे हम सेल्स, सेल्स अकाउंट 10,000, नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू विक्रम फॉर कैश। ठीक है, नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू आशुतोष, 4 रुपीज़ 20,000। यहाँ पे हमने आशुतोष को माल बेचा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि हमने उसे कैश में बेचा है, तो हम ये जूम करके चलेंगे कि हमने उसको ये जो माल है हमने उधार में बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हमारे पास जो कैश है वो तो आया नहीं है, तो कैश की जगह पे अब यहाँ पे हमारी बढ़ गई है असेट। ठीक है, यानी कि आशुतोष हमारा क्या बन गया है, डेटर। ठीक है, तो जो अगर हमारे डेटर बढ़ते हैं तो जो देखिए जो हमारे डेटर होते हैं वो असेट होती है। ठीक है, तो असेट बढ़ेगी तो क्या होगा, डेबिट होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम आशुतोष, आशुतोष अकाउंट डेबिट 20,000, टू में सेल्स, सेल्स अकाउंट 20,000, और यहाँ लिखेंगे बीइंग गुड सोल्ड टू आशुतोष ऑन क्रेडिट। ठीक है, उधार में माल बेचा हमने। अब यहाँ पे हमारी नेक्स्ट एंट्री है आशुतोष रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज़ 5,000, मतलब आशुतोष ने 5,000 की जो गुड्स हैं वो वापस कर दिए हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट लिख सकते हो आप, या फिर लिख सकते हो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। ठीक है, सेल्स अकाउंट या फिर रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सेल्स रिटर्न अकाउंट, कितने से हो जाएगा हमारा ये डेबिट, 5,000 से, और टू में आ जाएगा हमारा आशुतोष, क्योंकि आशुतोष पहले हमारा डेटर बना हुआ था, अब वो डेटर हमारा कम हो गया। ठीक है, आशुतोष अकाउंट कितने से, 5,000 से। ठीक है, नरेशन बीइंग द सोल्ड गुड्स रिटर्न। नेक्स्ट एंट्री है पेड सैलरीज ₹20,000 इन कैश। हमने 20,000 की 20,000 हमने सैलरी पे करी है, यानी हमारे पास कैश क्या है और सैलरी हमारा क्या खर्चा है, तो खर्चा जब बढ़ता है तो वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सैलरीज अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट कितना, 20,000, और यहाँ पर नरेशन हमारे पास क्या जाएगी, बीइंग द सैलरीज पेड। अब आगे एंट्री है पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस
2000 इन कैश, हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमने पे करे, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमारे क्या खर्चे हैं यानी कि वो बढ़ रहे हैं वो तो डेबिट होंगे, और हमने कैश में पे करा तो यानी कि हमारे पास से कैश गया होगा तो कैश हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट 2000, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे बीइंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास विड्रॉ कैश ₹5000 फ्रॉम पर्सनल एक्सपेंस, हमने क्या करा है, हमने पैसे निकाले हैं, ठीक है, बिजनेस में से हमने पैसे निकाले हैं अपने खुद के खर्चे के लिए। अब हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी बिजनेस से पैसे निकाले जाएंगे तो वो दो तरीके के लिए निकाले जाएंगे, पहला तो ये है कि वो पैसा हमेशा के लिए निकाल लेगा, और दूसरा ये है कि वो कुछ टाइम के लिए निकालेगा। तो जब भी लिखा हुआ आ जाए वो कि उसने 5000 रुपये, मतलब 5000 या 10000 जो भी है उसने पर्सनल एक्सपेंस के लिए निकाले, तो समझ जाना कि वो छोटे टाइम के लिए निकाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ड्रॉविंग्स, ठीक है, यहाँ पे हमारी जो असेट है वो बढ़ जाएगी, उस असेट का नाम होगा ड्रॉविंग्स, ड्रॉविंग्स। अब यहाँ पे हमने ड्रॉविंग्स क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर ये जो पैसा है वो ओनर के द्वारा निकाला गया, किसके द्वारा निकाला गया, ओनर के द्वारा। तो लिखेंगे ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से कैश गया है। कई बार जो ओनर होगा वो कैश न ले जाके वो कुछ पर्सनल गुड्स लेके जाएगा, बीइंग द ड्रॉविंग्स मेड, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारी ट्रैवलिंग बिल ऑफ ₹2500 पेड, ठीक है, ट्रैवलिंग का बिल था 2500 का, वो हमने पे करा है। तो एंट्री बताइए क्या होगी, ट्रैवलिंग क्यों, क्योंकि हमारा खर्चा है ना, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितने से, 2500 से टू कैश अकाउंट 2500, ठीक है। और नरेशन बीइंग ट्रैवलिंग एक्सपेंस पेड, एक्सपेंस पेड, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारी एडवांस ₹5000 गिवन टू राजीव, हमने राजीव को ना एडवांस में पैसे दे दिए हैं, ठीक है, एडवांस में हमने राजीव को पैसे दे दिए हैं, ठीक है। तो देखिए अब राजीव हमारे लिए क्या बन गया, राजीव हमारे लिए क्या बन गया, वो बन गया हमारे लिए वो असेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राजीव्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, कितने से, 5000 बीइंग द अमाउंट गिवन इन एडवांस टू राजीव, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री है राजीव सबमिटेड ट्रैवलिंग बिल ₹4750 और बैलेंस रिसीव्ड, ठीक है।
अब देखो राजीव को ना हमने अभी पैसे दिए थे, हमने 5,000 रुपये दिए थे, ठीक है। वो पैसे हमने दिए थे किस लिए, वो ट्रैवलिंग के लिए हमने दिए थे एडवांस में। अब हुआ ये कि उसमें जो हमारा बिल बना है ना, वो 4,750 का बना है। जो बैलेंस है वो हमको रिसीव हो गया, यानी बचा हुआ अमाउंट हमको रिसीव हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान समझिए कि हमको कितना पैसा रिसीव हुआ होगा। 5,000 में से हमको, देखो 5,000 में से 4,750 हमारा खर्च हो गया, यानी कि हमें रिसीव हुआ होगा 250 रुपये, ठीक है, 250 रुपये। तो यहाँ पर अब देखो, जो हमने एडवांस हमने डेबिट करा था, अब उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। वो पूरे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, लेकिन यहाँ पे नाम अलग हुआ। सबसे पहले तो जो हमारा खर्चा हुआ पहले वो लिख लेते हैं। हमारा हुआ है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, हुआ है कितने का हुआ है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हुआ है हमारा 4,750 का, ठीक है। और हमें कैश भी रिसीव हुआ है, कैश रिसीव कितना हुआ है, देखो कैश रिसीव होगा तो डेबिट होगा ना, कैश रिसीव हुआ है हमारा हमें 250, ठीक है। और जो हमने एडवांस दिया था वो क्या था हमारा, ठीक है, यहाँ पे या तो यहाँ पे लिख दो राजीव अकाउंट कितने से, 5,000 से, ठीक है। 21, राजीव सबमिटेड ट्रैवलिंग बिल ऑफ ₹5,500, बैलेंस पेड, ठीक है। अब राजीव ने यहाँ पे क्या करा है, अब यहाँ पे जो अमाउंट है अब वो चेंज हो गया है, ठीक है। अब वो कितने का हो गया है, अब हमारा बिल ज़्यादा बन गया है, पहले हमारा बिल बन रहा था कम का, अब हमारा बिल है ज़्यादा का। तो उस केस में एंट्री क्या होगी, तो उस केस में एंट्री होगी, देखो खर्चा तो हमारा हुआ ही हुआ है, तो यानी ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमारा बनता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ठीक है। अकाउंट डेबिट कितने से, 5,500 से। राजीव को हमने कितने पैसे दिए थे, राजीव को तो हमने सिर्फ दिए थे 5,000 रुपये दिए, तो यानी राजीव अकाउंट जो है वो तो क्रेडिट होगा 5,000 से, ठीक है। बाकी जो बैलेंस है वो हमें अपनी जेब में से देना पड़ेगा, मतलब कैश अकाउंट कितना, 500, ठीक है। आई थिंक आपको ये एंट्री समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये कंपाउंड एंट्रीज हैं, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बता देना, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। 22, एडवांस फॉर मशीन ₹25,000 बाय चेक टू किरण मशीन्स। हमने क्या करा है, एडवांस पैसे दे दिए हैं मशीन्स के लिए, किसको, किरण मशीन्स को, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा हम अभी ये लिख सकते हैं, एडवांस फॉर्म, देखिए एडवांस पैसा दिया तो समझ जाओ कि हमारी असेट है, ठीक है, और हमने कैश दिया यानी हमारे पास से कैश गया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, या तो उस दुकानदार का नाम, क्या नाम है, किरण मशीन्स, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो एडवांस फॉर मशीन अकाउंट, ठीक है। अकाउंट डेबिट कितने से, 25,000 से, टू बैंक अकाउंट कितने से, 25,000 से, ठीक है। और एंड नरेशन क्या होगी, बीइंग द एडवांस, बीइंग द एडवांस गिवन फॉर मशीन, ठीक है। नेक्स्ट है, पेड ₹500 टू रमन ए क्रेडिटर ऑन अकाउंट, मतलब एक हमारा क्रेडिटर था जिसको 5,000 रुपये देने थे, तो हमने क्या करे, हमने वो पे कर दिए, ठीक है। तो सिंपल सी एंट्री यहाँ पे क्या होगी कि रमन अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। देखो जब वो क्रेडिटर था तो उसका अकाउंट हो रहा था क्रेडिट, लेकिन अब उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है, कितने से, 5,000 से। और हमारे पास से क्या चले जाएंगे, कैश 5,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है, इश्यूड चेक ऑफ ₹39,000 टू
परम ए क्रेडिटर इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ रुपीज़ 40,000। ये एंट्री को आप बहुत अच्छे समझना क्योंकि ये ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। देखिए, एक क्रेडिटर है जिसको हमें 40,000 रुपये देने हैं, ठीक है। वो हमारे पास आया, उसने हमसे पैसे मांगे कि मेरे पैसे दो, तो हमने बोला एक काम करो, देखो 39,000 रुपये लो और अकाउंट सेटल करो, ठीक है, मतलब बात को यहीं ख़त्म करो। तो वो मान गया, वो एग्री कर गया, ठीक है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें ना 1,000 का एक तरीके से समझ लो डिस्काउंट रिसीव हो गया, है ना। अब देखो, परम हमारा क्रेडिटर था तो उसका अकाउंट क्या हो रहा होगा, क्रेडिट। तो अब जब उसको हम पेमेंट करेंगे तो उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो यानी कि परम्स अकाउंट डेबिट कितने से होगा, उसको 40,000 रुपये। देखो, उसका अकाउंट तो 40,000 से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमने उसको दिए कितने हैं, हमने उसको दिए हैं 39,000। तो यानी कि 1,000 रुपये हमको डिस्काउंट रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, कितना 1,000, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, रिसीव्ड चेक ऑफ रुपीज़ 29,500 फ्रॉम सुरेंद्र ए डेटर इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ रुपीज़ 30,000। अब यहाँ पे उल्टा है, हमें किसी से ना 30,000 रुपये लेने थे, वो सुरेंद्र था, हमें उससे 30,000 रुपये लेने थे। हम उसके पास गए, हमने उससे पैसे मांगे, तो उसने बोला देखो मेरे पास एक काम करो, मुझे 500 रुपये का डिस्काउंट दे दो और मेरे पास 29,500 हैं और मेरा अकाउंट यहीं पर आप सेटल करो। तो यहाँ पर अब हमने डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये, सुरेंद्र पहले हमारा क्या था, डेटर था, तो यानी कि इसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। हमारे पास कितने रुपए आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं 29,500 बाय चेक, तो यानी यहाँ पे लिखेंगे हम बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है कितने से, 29,500 से। दूसरी चीज़, हमने डिस्काउंट भी दिया तो वो हमारा क्या खर्चा है, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, वो भी हमारा खर्चा है, कितने 500 का। और जो मिस्टर सुरेंद्र का अकाउंट है वो पूरा अब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से हट जाएगा, ठीक है, समझ में आया। एंट्री, ये एंट्रीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। 26, विड्रो गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 5,000 फॉर पर्सनल यूज। देखो अब यहाँ पर आ गया ना कि वो जो ओनर है उसने ना अब कैश नहीं, उसने गुड्स निकाले हैं पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। अब देखो इसकी एंट्री अब कैसे होगी, यहाँ लिखेंगे हम ड्रॉविंग्स अकाउंट, डेबिट 5,000 और टू में आप लिख सकते हो गुड्स अकाउंट, लेकिन आमतौर पे हम गुड्स नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं परचेज। क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स हमने क्या करे थे, हमने परचेज करे थे, ठीक है। टू परचेज अकाउंट कितने से कम होगा, 5,000 से, ठीक है। नरेशन क्या होगी, बीइंग द ड्रॉविंग्स ऑफ गुड्स मेड, ठीक है। नेक्स्ट है, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 2,500 गिवन एज सैम्पल। 2,500 के जो गुड्स हैं ना वो हमने एज ए सैम्पल किसी को दे दिए, ठीक है, हमने एज ए सैम्पल किसी को दे दिए, ठीक है। तो सिंपल जी बात है, हमारे पास यहाँ से गुड्स चले गए, तो गुड जाने का मतलब क्या है, परचेज अकाउंट हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा, लेकिन डेबिट क्या होगा। देखो अब हमने एज ए सैम्पल दिया तो हम उसको मान के चलेंगे कि वो हमारा खर्चा हो गया, ठीक है। तो या तो आप लिख सकते हो सैम्पल अकाउंट, ठीक है, सॉरी सैम्पल एक्सपेंस अकाउंट, या फिर आप लिख सकते हो एडवर्टीजमेंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सैम्पल एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2,500, टू में हमारा आ जाएगा परचेज, क्योंकि हमारे पास से गुड्स चले गए हैं, ठीक है।
गुड्स नहीं लिखेंगे यहाँ पे हम, ठीक है, परचेज ही लिखेंगे। नरेशन, बीइंग द गुड्स गिवन एज सैंपल, गिवन एज सैंपल, ठीक है। अब 28, रिबेट, रिबेट का मतलब होता है छूट। रिबेट ऑफ रुपीज़ 2000 अलाउड टू रमन ऑन गुड्स सोल्ड, हमने रमन को 2000 रुपये की छूट दी है, ठीक है, जब जब हमने गुड्स बेचे हैं, ठीक है, जब हमने गुड्स बेचे हैं तो हमने उसको 2000 की छूट दी है। तो सिंपल हम लिखेंगे रिबेट क्या हमारा खर्चा है, तो यानी कि रिबेट अलाउड अकाउंट, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू में आ जाएगा रमन, ठीक है, रमन्स अकाउंट 2000, ठीक है। रिबेट ऑफ रुपीज़ 3000 रिसीव्ड फ्रॉम कपिल ऑन गुड्स परचेज, अब यहाँ पे हमको रिसीव हुई है, यहाँ लिखेंगे हम कपिल्स अकाउंट डेबिट कितने से, 3000 से, टू रिबेट रिसीव्ड, ठीक है, 3000। तो आई थिंक ये एंट्रीज आपको समझ में आई होंगी अच्छे से। अभी कुछ और एंट्रीज हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, लेकिन वो इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो आपको कैसी लगी है वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, आप कुछ भी हमें कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।